सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो तक हमने अपादान कारक और संबंध कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम संबंध कारक और अधिकरण कारक से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। संबंध कारक से संबंधित जो अंतिम जो शब्द हैं, कौन कौन से शब्दों में संबंध कारक का प्रयोग होता है, अर्थात षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, वो पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। पहला है अधे, माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, अंतः माने अंदर, कृते माने के लिए, समीपम माने समीप, मध्य माने बीच में, और पुरे समक्षम, दोनों का अर्थ होता है सामने। इन सभी शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहता है सूत्र? ये शब्द जो है अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, अंतः माने अंदर, कृते माने के लिए, समीपम माने समीप, मध्य माने बीच में, और पुरा समक्षम माने सामने। इन सभी शब्दों के उपयोग से व्यक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखें, वह वृक्ष के नीचे सोता है। किसके नीचे सोता है? वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो वृक्ष में कौन सी व्यक्ति लगेगी? षष्ठी। तो क्या बनेगी संस्कृत? से वृक्ष से अधे सेते, से वृक्ष से अधे सेते। अगला है भवन के ऊपर पक्षी है। किसके ऊपर है? भवन के ऊपर। तो संस्कृत क्या बनेगी? से भवनस्य ऊपरी खगे अस्ति, भवनस्य ऊपरी खगे अस्ति। अगला है घर के अंदर माता है। संस्कृत क्या होगी? गृहस्य अंते माता अस्ति, गृहस्य अंते माता अस्ति। अगला है बालक के लिए दूध लाओ। किसके लिए लाओ? बालक के लिए। तो बालकस्य कृते दुग्धम् आनय, बालकस्य कृते दुग्धम् आनय। अगला है विद्यालय के समीप मंदिर है। किसके समीप है? विद्यालय की। तो विद्यालय से समीपम देवालय अस्ति, विद्यालय से समीपम देवालय अस्ति। अगला उदाहरण है
ग्वालों के बीच कृष्ण है। किसके बीच है? ग्वालों के बीच। तो ग्वालों कौन सी लगी? षष्ठी। तो ग्वाला नाम मध्य कृष्ण है अस्ति। ग्वाला नाम मध्य कृष्ण है अस्ति। अगला है गांव के सामने आश्रम है। किसके सामने है? गांव के। तो ग्रामस्य पुरे या फिर समक्षम आश्रम है अस्ति। विभक्ति हो गई हमारी षष्ठी और कारण हो गया खालिस्थान शब्द से योग। कौन कौन से शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है? अधे माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, अंत माने अंदर, कृते माने के लिए, समीपम माने सामने, मध्य माने बीच में, अपर समक्षम माने सामने। इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये हो गया हमारा संबंध कारक समाप्त। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। क्या कहता है सूत्र? ये सूत्र कहता है क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। क्या कहता है सूत्र? क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा। तो ये कैसा सूत्र हो गया हमारा? संज्ञा सूत्र। अगला सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च। क्या कहता है सूत्र? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में कौन शक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण के तीन प्रकार हैं, यानी कि आधार के तीन प्रकार हैं। आधार तीन प्रकार का होता है। पहला है औपश्लेषिक, दूसरा है वैशेषिक और तीसरा है अभिव्यापक। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इन दोनों सूत्रों को पढ़ लेते हैं। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम। ये सूत्र क्या कहता है? क्रिया की सिद्धि का जो आधार होता है उसकी क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। और दूसरा सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च। ये सूत्र क्या कहता है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आधार कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो हम तीनों आधार पढ़ते हैं। इन्हें क्या क्या कहते हैं? पहला है औपश्लेषिक आधार। क्या कहता है ये? किसे कहते हैं औपश्लेषिक आधार? जब आधार और आधे मान की जो क्रिया कर रहा है वो
एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो उसे औपश्लेषिक आधार कहते हैं। किसे कहते हैं? जब आधार और आधे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो कौन सा आधार कहलाएगा? हमारा औपश्लेषिक आधार। जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है, ये राजा कौन है? आधे है, और सिंहासन क्या है? आधार। जब राजा सिंहासन पर बैठेगा तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो कौन सा आधार कहलाएगा? ये हमारा औपश्लेषिक। तो संस्कृत क्या बनेगी? निरपेह सिंहासने तिष्ठति। क्या बन गया? निरपेह सिंहासने तिष्ठति। दूसरा है हमारा वैशेषिक आधार। किसे कहते हैं? जब क्रिया की सिद्धि एक निश्चित सीमा में पूर्ण होती है तो उसे वैशेषिक आधार कहते हैं। किसे कहते हैं? जब क्रिया की सिद्धि एक निश्चित सीमा या परिधि में पूरी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वैशेषिक आधार कहते हैं। जैसे वह सरोवर में तैरता है। देखिए, सरोवर की एक निश्चित सीमा होती है, परिधि होती है, तो एक ऐसा आधार हो गया वैशेषिक, क्योंकि जो तैरने की जो क्रिया है वो एक निश्चित सीमा में पूरी हो जाएगी। तो संस्कृत क्या बनेगी? स सरोवरे तरती, स सरोवरे तरती। तीसरा है हमारा अभिव्यापक आधार। किसे कहते हैं? जो सभी जगह विद्यमान है उसे अभिव्यापक आधार कहते हैं। किसे कहते हैं? जो सभी जगह विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? अभिव्यापक आधार कहते हैं। जैसे सभी में आत्मा है। सभी में क्या है? आत्मा है। तो सभी में ही कहीं भी चले जाए अपन, सभी जगह विद्यमान है, तो संस्कृत क्या बनेगी? सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। विभक्ति कौन सी हो गई हमारी? सप्तमी। कारण हो गया हमारा अधिकरण कारकस्य योगे। विभक्ति सप्तमी और कारण हो गया अधिकरण कारकस्य योगे। ठीक है, अब अगला जो सूत्र है वो पढ़ते हैं। अगला सूत्र हमारा इसनी। क्या कहता है ये सूत्र? इसनी माने स्नेह करना। इसनी माने स्नेह करना। धातु के योग में जिस पर इस
स्नेह किया जाता है। उसमें सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। क्या कहता है? स्नेह यानि कि स्नेह करना, धातु के योग में जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें कौन से विभक्ति लगाते हैं? सप्तमी विभक्ति। जैसे पिता पुत्र पर स्नेह करता है, यहाँ स्नेह किस पे किया जा रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी। तो संस्कृत क्या बनेगी? पिता पुत्रे स्नेहति। क्या बन गई? पिता पुत्रे स्नेहति। विभक्ति हो गई हमारी सप्तमी। कारण हो गया स्नेह धातु योगे। क्या होया? स्नेह धातु योगे। फिर से पढ़े, स्नेह यानी कि स्नेह करना, धातु के योग में जिस पर स्नेह किया जाता है उसमें हम कौन से व्यक्ति लगाते हैं? सप्तमी। से पिता पुत्र पर स्नेह करता है, पिता पुत्रे स्नेहति। विभक्ति हो गई सप्तमी और कारण हो गया स्नेह धातु योगे। अगला दो शब्द हैं हमारे कोर्स में जिनके योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कौन कौन से हैं? संलग्न चतुर। इन शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन शब्द हैं? संलग्न और चतुर। जैसे वह कार्य में संलग्न है। किसमें संलग्न है? कार्य में। तो संस्कृत क्या बनेगी? से कार्य संलग्न अस्ति। सहकार्य संलग्न अस्ति। अगला है वह पढ़ने में चतुर है। किसमें चतुर है? पढ़ने में। तो से पठने चतुर है अस्ति। से पढ़ने चतुर है अस्ति। विभक्ति हो गई हमारी सप्तमी और कारण हो गया खाली स्थान शब्दस्य योगे। तो कौन कौन से शब्दों में सप्तमी विभक्ति प्रयोग होता है? संलग्न और चतुर। जैसे वह कार्य में संलग्न है तो सह कार्य संलग्न अस्ति। वह पढ़ने में चतुर है, सह पठने चतुर है अस्ति। विभक्ति सप्तमी, कारण खालिस्थान शब्दस्य योगे। खालिस्थान का मतलब पता ही आपको, इनमें से जो भी शब्द आएगा खालिस्थान में हम उसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा अंतिम जो सूत्र है हमारे कोर्स का अधिकरण कारक का, वो और पढ़ लेते हैं। तो फिर हमारे कारक वाला टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। अंतिम जो सूत्र है हमारे कोर्स का वो है यस्य च भावेन भाव लक्षणम्। यस्य च भावेन भाव लक्षणम्। क्या कहता है सूत्र? जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। क्या कहता है ये सूत्र? जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया
और उसके कर्तान कौन से व्यक्ति लगाते हैं हम सप्तमी विभक्ति, जैसे कि उदाहरण है राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। क्या है? राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो राम बन जा रहा है और दूसरा दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया है। तो पहली क्रिया कौन सी है? राम का वन जाना, तो इसकी क्रिया है जाने पर और करता है राम। इन दोनों में हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? रामे वनम गते दशरथे प्राणान एत्यजत। क्या बनी? रामे वनम गते दशरथे प्राणान एत्यजत। अगला उदाहरण है सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक घर चले गए। देखिए इस वाक्य में दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरा बालक अपने अपने घर जा रहे हैं। तो पहली क्रिया क्या है? अस्त हो जाने पर और कर्ता क्या है? सूर्य। तो इसमें कौन सी लगेगी? सप्तमी विभक्ति। तो संस्कृत क्या बनेगी? सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकः प्राण सर्वे बालकः गृहं अगच्छन्। क्या बनी? सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकः गृहं अगच्छन्। विभक्ति कौन सी लगाई हमने? सप्तमी। कारण क्या है? यस्य चे भावेन भाव लक्षणम् इति सूत्रस्य योगे। सूत्र एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूत्र है हमारा यस्य चे भावेन भाव लक्षणम्। क्या कहता है? जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया और उसके कर्ता में हम सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया, तो रामे वनम गते दशरथे प्राणान एत्यजत। सूर्य के अस्त हो जाने पर सभी बालक घर चले गए, सूर्य अस्तम गते सर्वे बालकाः गृहं अगच्छन्। विभक्ति हो गई हमारी सप्तमी, कारण हो गया यस्य च भावेन भाव लक्षणम् इति सूत्रस्य योगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हमारे जो कोर्स में जो कारकों के जितने भी सूत्र दिए हुए थे उन सभी का अध्ययन कर लिया है। यदि आपको कोई सूत्र समझ में आया हो या फिर कोई उदाहरण समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। आप अपना पाठ्यक्रम इसी प्रकार जारी रखें, हमारा साथ बनाए रखें और जो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी जिस भी विषय की परीक्षाएं रह रही हैं वो हमारे चैनल पर उन विषयों की वीडियोस देखें। हमारे अध्यापक उन विषयों का लगातार अध्ययन करा रहे हैं और जो 10th में आए हैं छात्र या 12th में आए हैं वो भी अपना पाठ्यक्रम लगातार जारी रखें और हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।